नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका लेट्स ट्रैक यूपीएससी सीएससी के हिंदी माध्यम के इस प्लेटफॉर्म पे। और जैसे कि हम लोग हर वीक पे एक साप्ताहिक चर्चा रूबरू लेके आते हैं, तो अभी तक हमने बहुत सारे टॉपिक आपके साथ डिस्कस किए। अभी रिसेंट में एक न्यूज़ चल रही है, आपने देखा होगा कि संसद में उसको लेकर बिल भी लाया जा रहा है, और उसी से संबंधित एक कानून है, राजद्रोह का कानून, जिसको सेक्शन 124A भी के नाम से भी आप जानते होंगे। और ये जो एक कानून है, ये ना केवल आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, जब तिलक पर मुकदमा चला था, गांधी जी पे चला था, इसके अलावा फिर आपने देखा होगा कि जब JNU केसेस हुए थे, तो कन्हैया कुमार का नाम अगर आपने सुना हो तो उनके ऊपर भी ये सारे चार्जेस लग चुके हैं। तो सेक्शन 124A क्या है, राजद्रोह का पूरा मामला क्या है, आज के रूबरू में हम इसी पे चर्चा करने वाले हैं। अब इसके पहले कि हम लोग डिस्कशन शुरू करें, पहले कुछ जरूरी सूचनाएं पहले देख लेते हैं। देखिए, ये स्लाइड मेरे बारे में है। अन अकेडमी की बात करें तो हर साल 3 में से जो एक सिलेक्शन है वो अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म से होता है। फ्रीडम फेस्टिवल का समापन हो जाएगा, 50% ऑफ मिल रहा है इसमें आपको CSC सब्सक्रिप्शन पे, और अगर आपने अगर इस अवसर का लाभ नहीं उठाया तो आप इसमें चूक सकते हैं। आरंभ बैच है IAS 2024 के लिए है, अगस्त 9 से शुरुआत होगी इसकी, और एक्चुअली शुरू हो चुका है। अगर आप इसमें एनरोल करना चाहते हैं तो आप KK Live 31 कोड का यूज़ करके इसमें एनरोलमेंट करा सकते हो। प्रतिज्ञा बैच है जो मुखर्जी नगर से लाइव है, ये 16 अगस्त से शुरू हो रही है, और इसमें भी एनरोलमेंट के लिए आप KK Live 31 का कोड का यूज़ करके जो अतिरिक्त बेनिफिट है वो ले सकते हैं। अगर कोई फाइनेंशियल बैरियर है और उससे आपकी जो प्रिपरेशन है उसमें बाधा पहुंच रही है, तो आप ये अन अकेडमी आपको फैसिलिटी दे रहे हैं, जहाँ पर आप 0% EMI से शुरू करके अपनी तैयारी को दिशा और दशा दे सकते हो। जो मंथली करंट अफेयर की मैगजीन है वो अब हिंदी लैंग्वेज में भी अवेलेबल है, तो आप सिंपली डाउनलोड करके इसको भी पढ़ सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन तैयारी करने के इच्छुक हैं तो अन अकेडमी आपको उसका भी अवसर दे रहे हैं। आप अन अकेडमी आइए सेंट्रल दिल्ली पे अपनी ऑफलाइन जो प्रिपरेशन है उसको शुरू कर सकते हैं। अब जरा आज का जो टॉपिक है उसको शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि आपको नाम ही दिख रहा है, राजद्रोह, इंग्लिश में कहते हैं सेडिशन। बट जो सबसे खास बात रही कि राजद्रोह मतलब जो एक एक चीज़ होती है ना, राज मतलब क्या, कौन से राज की यहाँ पे बात हो रही है, ये थोड़ा सा डिफाइंड नहीं दिखता है। राजद्रोह मतलब किस राज को कहीं ना कहीं डिफेम करने की बात हो रही है, या राज की बात हो रही है, सरकार की बात हो रही है, तो ये एक चीज़ को लेके थोड़ा सा जो कहीं ना कहीं दुविधा बनी हुई है, और इसी को लेके लोग आरोप लगाते हैं कि इस कानून का यूज़ करती हैं सरकारी लोगों की जो अभिव्यक्ति है, आज़ादी है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, उसको बंद करने में, माउथ को शट करने में। तो पूरा मुद्दा क्या है पहले इसको समझते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि राजद्रोह को कई बार सिनोनिम कर दिया जाता है, राजद्रोह है या ये सरकार द्रोह है, क्या सरकार द्रोह और राजद्रोह एक ही है? राजद्रोह मतलब भारत के अगेंस्ट द्रोह करना, या जो सरकार बनी है उसके अगेंस्ट द्रोह करना? सरकार तो जब जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए है, तो उसके अगेंस्ट बोलना राजद्रोह है, या भारत की एकता अखंडता को तोड़ना राजद्रोह है? ठीक है, तो राजद्रोह क्या है और एक आज़ाद देश में इस तरह के कानून की कितनी ज़रूरत है, ये हमें इस एपिसोड में बेसिकली समझना है। आपके कोई डाउट, क्वेरीज, कन्फ्यूजन्स, या कोई भी चीज़ें जो आपको समझ में नहीं आ रही, तो आप कमेंट सेक्शन में उसको पूछ सकते हैं। पहले जरा समझते हैं राजद्रोह का मतलब क्या है, व्हाट इज एक्चुअली सेडिशन, सेडिशन का मतलब क्या, द्रोह मतलब क्या, किसके प्रति द्रोह हो रहा है। तो देखिए, ये जो पूरा मुद्दा है ये एक्चुअली आपके कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं, IPC से जुड़ा हुआ मुद्दा है, यानी भारतीय दंड संहिता का मुद्दा है। भारतीय दंड संहिता की जो धारा है वो 124A राजद्रोह को परिभाषित करती है। मतलब इस संबंध आज की कि क्या राजद्रोह को परिभाषित किया गया है, तो इसके लिए जो सेक्शन 124A है इसने इसको परिभाषित भी किया हुआ है। तो राजद्रोह को देखिए किस तरीके से परिभाषित किया गया है, और परिभाषा में क्या कुछ ऐसी डिस्क्रिपेंसी है जिसको लेके प्रॉब्लम हो रही है। तो देखिए, 124A ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति, यहाँ पे फोकस करना वर्ड व्यक्ति, यहाँ पे नागरिक शब्द नहीं लिखा है। जब भी हम संवैधानिक चर्चा करते हैं तो वहाँ पे जो शब्द होता है वो नागरिक होता है, यहाँ पे लिखा है कोई भी व्यक्ति शब्दों के माध्यम से। अब शब्द जब भी हम किसी से बोलते हैं तो वो तो बोली हुई चीज़ें शब्दों के माध्यम से ही होंगी, तो अब क्या होता है, शब्दों के माध्यम से तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो, बोल भी सकते हो, लिख भी सकते हो। तो शब्दों के माध्यम से चाहे बोले या लिखे, इसके अलावा बोलने लिखने के अलावा, या आप कुछ ऐसे संकेत करते हैं, या दृश्य प्रतिनिधित्व, या जिससे मतलब जिससे क्या हो, घृणा हो या अवमानना आता हो, यानी शब्दों के माध्यम से या तो आप बोलें, लिखें, इशारे करें, राइट, इन तीनों ही माध्यम से
यदि घृणा या अपमान मतलब अवमानना लाने का प्रयास किया जाता है जिससे कानून द्वारा स्थापित सरकार के प्रति असंतोष होता है। तो यहाँ पे एक बात तो तय हुई कि राजद्रोह, मतलब अब यहाँ पे भारत की बात नहीं हो रही है, इसमें कह रहा है कि राजद्रोह तब माना जाएगा जब कोई शब्द आपने ऐसा बोला है, लिखा है या कुछ ऐसे संकेत किए हैं जिससे विधि द्वारा स्थापित सरकार, अब विधि क्या है, विधि मतलब आपके संवैधानिक विधि, संविधान किसने बनाया, तो संविधान किसने बनाया, जनता ने अपनी शक्ति किसमें डाल दी, संविधान में। तो इसका मतलब कि जनता द्वारा चुनी हुई सरकार के प्रति असंतोष हो जाता है। दैट मीन्स कि राजद्रोह की परिभाषा अपने आप में ये बता रही है कि कुल मिला के ये जो कानून आया है वो भी जनता के लिए ही कानून है। क्यों? क्योंकि संविधान द्वारा स्थापित सरकार का ये विरोध कर रही है। संविधान द्वारा मान लीजिए कोई सरकार के प्रति ऐसा करता है जिससे असंतोष पैदा होता है भारत के अंदर, या शत्रुता की भावनाएं उत्तेजित होती हैं, या कहीं ना कहीं ऐसी टिप्पणियां होती हैं जो कहीं ना कहीं भारत की जो सरकार है, चुनी हुई सरकार है, उसके प्रति लोगों में असंतोष पैदा करे, तो ये सारे के सारे जो एक्ट हैं, जो प्रैक्टिसेस हैं, इन सबको आप राजद्रोह के एम्बिट में लाएंगे। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने लिखा कि शब्दों के माध्यम से चाहे बोलो, चाहे लिखो, चाहे संकेत करो सब, लेकिन क्या बोलो, क्या लिखो और क्या करो, है ना। यहाँ पे डिपेंड करता है कि जो असंतोष है वो तो किसी का किसी भी माध्यम से हो सकता है। कभी आपका मूड अच्छा है तो कोई कोई कुछ कहेगा तो आप उसको मजाक में भी डाल सकते हैं, हंसी में भी डाल सकते हो, पर कभी कभी वो चीज़ें आपको रोज दिला देती हैं, तो कब उसको कैसे लेंगे, ये थोड़ा सा डिस्क्रिपेंसी का पार्ट बना हुआ है, वहाँ पे आते हैं। पहले जरा सा अगर सिंपल टर्म्स में देखें तो राजद्रोह का मतलब यही होता है कि बोलना, लिखना या क्या कहते हैं, संकेतों के माध्यम से अगर कुछ आप ऐसा करते हैं जो विधि द्वारा स्थापित सरकार की अवमानना करे या उसके प्रति असंतोष ले आए, तो वो राजद्रोह है। कहीं ना कहीं देखिए जो राजद्रोह है इसको गैर जमानती अपराध बनाया गया है, जमानत नॉन बेलेबल ऑफेंस है। इसके अलावा इसमें जो कठोरता अगर देखें तो इस कदर कठोर कानून है कि इसमें मिनिमम 3 साल से लेके आजीवन कारावास तक हो सकता है, ठीक है। तो दिस इज यू कैन से कि द टफेस्ट लॉ, द हार्डेस्ट लॉ, कि इसमें आपको आजीवन कारावास तक का सजा भी दी जा सकती है। कभी कभी इसमें जुर्माना भी लगता है, मतलब कभी जुर्माने के साथ भी, कभी बिना जुर्माने के। तो सी हाउ हार्ड दिस लॉ इज, कि कितना कठोर, कितना हार्श कानून है ये राजद्रोह का कानून। अब देखते हैं, जरा समझते हैं कि इसकी शुरुआत दरअसल कब से हुई और क्या क्या चीज़ें थी जिसको आगे बढ़ाते चली गई। अगर इसके शुरुआत की बात करेंगे तो देखो जो इसकी शुरुआत है वो ऐतिहासिक दिनों से ही, ऐतिहासिक मतलब जब हमारे यहाँ पे ब्रिटिश सरकार था तब से ही इसके बारे में जो चर्चाएं हैं वो हो रही थी। दरअसल अगर आपको पता हो तो ब्रिटिश सरकार तो एक यूरोपीय कंपनी थी, यूरोपीय कंपनी अपने लाभ के लिए आई थी, तो हर हाल में उसको अपने लाभ को मैक्सिमाइज करना था। उसके जो कहीं ना कहीं जो नीतियाँ थी वो उसी अकॉर्डिंग बनती थी जिससे उसका लाभ जो है सुनिश्चित है। आपको पता होगा कि 1858 के समय में क्या हुआ था कि कंपनी का शासन समाप्त हो गया था और डायरेक्टली महारानी का शासन भारत में शुरू हो गया था। लोग कहने लगे थे अब हम महारानी की रियाया है। तो 1858 में एक्चुअली जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसका जो कहीं ना कहीं रूलिंग था वो समाप्त हो गया और जो आप क्वीन है, क्वीन विक्टोरिया, इनकी जो है सत्ता भारत में शुरू होती है। अब होता क्या है कि 1858 के बाद से जो धीरे धीरे दौर चला, 1905 का दौर आपको याद होगा, बंगाल विभाजन हो गया था, या उसके पहले ही कहीं ना कहीं 1885 में आपकी कांग्रेस का बनना, या और पहले चले तो 57 में क्रांति का होना, ठीक है। इस तरह से जो चीज़ें हो रही थी, चीज़ें आगे ग्रो कर रही थी, उसी दौरान आपको याद होगा कि लॉर्ड मैकॉले विधि सदस्य बन के इंडिया आता है। लॉर्ड मैकॉले वॉज अ लॉ मेंबर, है ना, लॉ मेंबर बना था, लॉ कमीशन बना था। तो लॉ कमीशन में आपका जो लॉर्ड मैकॉले है ये विधि सदस्य बन जाता है, ठीक है, उसका विधि आयोग का अध्यक्ष रहता है। तो उस टाइम पे सबसे पहले जो लॉ आपका ये लॉर्ड मैकॉले है उसने एक्चुअली इस तरह के जो कानून है इसकी सिफारिश की थी। हालांकि जो उसकी सिफारिश है वो 1833 में की गई थी, 33 में खैर लागू नहीं हो पाया था, लेकिन लॉ कमीशन ने अपनी सिफारिश में जो आर्टिकल 124A है इसकी अनुशंसा की थी, ठीक है। लेकिन बाद में 1833 में की गई अनुशंसा को उस समय तो नहीं माना गया, लेकिन 1870 में होता क्या है कि ब्रिटिश सरकार ने IPC की धारा 124A पेश की, फिर से 124A पेश की। हालांकि जो मैकॉले हैं, मैकॉले ने 124-123 की बात नहीं की थी, उन्होंने सीधा सीधा बोला था कि हमें इस तरीके का कोई कानून लाना चाहिए, ठीक है।
होता क्या है कि ब्रिटिश सरकार ये कानून लेके आती है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि ब्रिटिश सरकार में जब महारानी का शासन भी शुरू हो गया था, तो भी ब्रिटिश सरकार का जो मेन ऑब्जेक्टिव था, जो मेन मोटो था, वो कुल मिला के ये था कि कैसे भारत को लगातार अपना उपनिवेश बना के रखा जाए, भारत से कैसे लाभ लेते रहे। तो उनकी जो भी विधियां होंगी, जो भी कानून होंगे, या जो भी कानून की विसंगतियां भी होंगी, वो सब के सब उसी वे में होंगी, उसी डायरेक्शन में होंगी, बिकॉज उनके पास गोल बिल्कुल तय है। तो इस वे में इन्होंने 1857 में, 1870 में एक्चुअली, तो 1870 में बेसिकली 124 ये पेश किया था। अब उसमें होता क्या है कि एक्चुअली चक्कर ये चल रहा था कि भारतीय उपमहाद्वीप में धार्मिक प्रचारक सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ देंगे। एक्चुअली समय सोशियो इकोनॉमिक रिलीजियस मूवमेंट जो है बहुत अपने पीक पे पहुंच रहे थे। तो अंग्रेजों को लगा कहीं इससे एक बड़ा मूवमेंट ना हो जाए, तो बड़ा मूवमेंट होगा तो देखिए कहीं ना कहीं आपके मन में जो धर्म है वो सबसे सर्वोपरि रहता है। हम सब लोगों के जीवन में दुख है, हम सब लोगों को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है, सबके साथ कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है जो हमें हमेशा घेरे रहती है। लेकिन ऐसे में हर किसी के मन में एक उम्मीद रहती है कि एक दिन भगवान सब ठीक कर देगा। लेकिन अगर भगवान पे ही खतरा हो जाए तो फिर कोई चुप नहीं बैठता है। फिर देखिए, ना केवल ब्रिटिश के शासन के समय बल्कि अभी के समय में भी राम मंदिर हो गया, या कोई देखिएगा दरगाह वगैरह हो गई, इसके नाम पे लोग कितनी आसानी से मोबिलाइज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि हमसे धर्म मत छीनो, एक धर्म ही तो जो आपको सपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हुआ क्या कि ऐसा लग रहा था, मतलब ब्रिटिश सरकार को, कि जो धार्मिक प्रचारक है वो सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ देंगे। विशेषकर उस समय वहाबी उल्लाह का जो मूवमेंट है, तो वहाबी उल्लाह जो एक्चुअली मूवमेंट हुआ था उसका सरकार ने दमन किया था। तो सरकार को लग रहा था कि कहीं इस मूवमेंट की वजह से हमारा काम ना खराब हो जाए। वही मैंने आपको वजह से बताया कि उनका तो कुल मिला के गोल यही था कि कैसे भारत में लंबे समय तक बने रहा जाए, उसको उपनिवेश बना के रखा जाए, लाभ कमाते रहे। तो इसलिए जरूरी था कि लोगों का मुंह बंद रखा जाए, या उनको जो उकसाने वाले लोग हैं, या जो कहीं ना कहीं लोगों को अवेयर कर देंगे, उन लोगों को हम दबा के रखें। तो इसी वे में राष्ट्रीय स्वतंत्रता के पक्ष में कार्यकर्ताओं को दबाने के लिए एक्चुअली 124A लाया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जो बोलना है वो भी कहीं ना कहीं राजद्रोह है। तो सबसे पहली बार जो तिलक हैं आपके, बाल गंगाधर तिलक, तिलक के ऊपर जो है इसको लेके मुकदमा चला था। इसके अलावा महात्मा गांधी, इसके अलावा आपके इमाम अली, शौकत अली, जो आपके याद होगा खिलाफत पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, इन सब लोगों को इस कानून के तहत अरेस्ट किया गया था। ठीक है, तो बेसिकली जो ये कानून है वो आपके ब्रिटिश हुकूमत से ही चलता चला आ रहा है, कोई नया कानून नहीं है। लेकिन बस ताजुब की बात ये है कि ब्रिटिश सरकार के पास सामने तो लक्ष्य बिल्कुल तय था, कि उनको लक्ष्य था कि भाई हमें तो भारत में बने रहना है। भारत सरकार ने क्या सोच के जो है इस एक्ट को अभी तक जिंदा रखा है, अब इस पे आते हैं। अब क्या है कि जैसे अभी तक तो हमने ये समझा कि भाई कुल मिलाकर ऐसा था कि ब्रिटिश सरकार ने अपने लाभों को मैक्सिमाइज करने के लिए इस तरह के कानूनों का निर्माण किया था। ये कानून क्या कहता है राजद्रोह के बारे में, तो हमने देखा कि इस कानून का कहना ये है कि बोलकर, लिखकर या संकेतों के माध्यम से यदि आप विधि द्वारा स्थापित सरकार के विरुद्ध अवमानना या असंतोष बढ़ाने का जो प्रयास है अगर वो आप करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं राजद्रोह की पेरिफेरी में आता है। अब होता क्या है कि दो एक ऐसे केसेस हैं इंडिया के हिस्ट्री में, दिस इज द लैंडमार्क, जहाँ से राजद्रोह को लेके जो अस्पष्टताएं हैं कि भाई राजद्रोह क्या है, वो बढ़ गई। ठीक है, राजद्रोह किसको कहें? क्या सरकार का द्रोह करना या सरकार के लिए कुछ बोलना राजद्रोह है? राजद्रोह किसको कहेंगे? तो देखिए, एक जो केस है वो 1897 का है, बट ऑब्वियस सी बात है कि तब भारत आपका आजाद नहीं हुआ था। और एक जो केस है वो आपका क्या कहते हैं 1842 का है, जो आपके जो कहीं ना कहीं ये दोनों ही केसेस आपके लिए इम्पोर्टेंट बनते हैं, जो हमें इसकी पर्याप्त झलक देके जाएंगे कि कुल मिला के मुद्दा क्या है। देखिए, जो महारानी का केस था, महारानी बनाम बाल गंगाधर तिलक का, तो जैसे मैंने कहा था कि बाल गंगाधर तिलक पे सबसे पहले सेडिशन के जो चार्जेस लगे थे, तो क्या कहते हैं उन्होंने किस तरह की पैरवी किया, उस समय का जो न्यायालय है वो क्या बोल रहा है। होता क्या है कि आपको पता है कि जो तिलक महाराज उनके दो बुक छापा करते थे, दो उनके साप्ताहिक लेख निकलते थे, एक का नाम था मराठा और एक का नाम था केसरी। मराठा और केसरी, तो केसरी मराठा और केसरी, तो मराठा जो है वो क्या कहते हैं आपका जो मराठा है वो इंग्लिश में लिखा करते थे, और जो केसरी है वो मराठी में लिखा करते थे। ठीक है, बॉम्बे प्रोविंस के से वो रखते थे, ताल्लुक रखते थे जो आपके तिलक हैं। तो जब इन्होंने अपने केसरी नामक जो इनका लेख लिखा होता था, तो जो मराठी भाषा में इनका लेख था, उसमें इन्होंने कुछ बातें लिखी अंग्रेजी सरकार के खिलाफ। अब आपको पता है तिलक यानी आपके लाल तिलक लाल बाल पाल के जो जो तिकड़ी है उसके पार्ट हुआ करते थे,
कांग्रेस के भी उग्रवादी नेताओं में से एक थे, ये अपने एक्शन के थ्रू अपनी बातें मनवाना चाहते थे, ना कि पिटीशन वगैरह के थ्रू। और जहां पे भी इनको लगता था तो ये इस बात की चर्चा करते थे कि जो है हमें अपना राज लाना होगा। और अपने राज का मतलब है कि ये बार बार इस चीज पे फोकस करते थे कि जो चीज हमारा जन्म से सिद्ध है तो वो चीज मुझे किसी से मांगना नहीं है, बल्कि वो मेरा जन्म से सिद्ध है तो वो मेरा है। इसीलिए इनका नारा याद होगा आपको, उन्होंने कहा था कि स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, स्वास्थ्य तो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार और मैं तो लेकर रहूंगा, लेकर रहूंगा मतलब जो चीज मेरी है वो मेरी ही रहनी चाहिए। तो इस तरह की बातें क्या करते थे तिलक। तो तिलक ने अपने जो केसरी नाम का उनका वो आर्टिकल छपता था, वीकली आर्टिकल, उसमें इन्होंने क्या किया कि ऐसा दिखाया गया था उस आर्टिकल में कि ये शिवाजी का आह्वान कर रहे हैं। आपको पता है शिवाजी ने तो कहीं ना कहीं शिवाजी और औरंगजेब का युद्ध चला करता था, तो ये शिवाजी को दिखाते हैं एज अ मॉडल, शिवाजी का आह्वान करते हैं। और जो शिवाजी है मतलब इस तरह से दिखाया गया था कि वीर शिवाजी टूट पड़ रहे हैं अंग्रेजों के खिलाफ, तो जो मतलब ऐसा कहीं ना कहीं देख के लग रहा था कि ब्रिटिश सरकार एक एक राक्षस है उसको खत्म करने के लिए शिवाजी को बुलाया जा रहा है। तो ब्रिटिश सरकार को ने इसको देखा कि तुम हमारे प्रति असंतोष भड़का रहे हो, ठीक है। अब जो इस तरह की हीरोइक एक्टिविटी है ना वो लोगों को बहुत जल्दी अट्रैक्ट करती है। देखिए दशहरा वगैरह हमें क्यों अट्रैक्ट करता है कि मतलब तीर लग रहा है, रावण मर रहा है, मजा आ रही है, ठीक है। तो हमेशा जो हीरोइक या जो नायक वाली एक्टिंग होती है ना, नायक वाली चीजें होती हैं, वो हर किसी को बड़ी आसानी से अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेती है। तो अब इस तरीके से क्या हो रहा है कि ब्रिटिश सरकार के प्रति ये असंतोष भड़क रहा था। तो अब सरकार ने इसको क्या कंसीडर किया कि तुमने जो है हमारे खिलाफ असंतोष बढ़ाया है। तो इसमें जब केस होता है महारानी बनाम बाल गंगाधर तिलक का, तो उस समय की अदालत ने यह बोला कि राजद्रोह में सरकार के प्रति यदि उत्तेजित असंतोष कार्य भी शामिल है, भले ही उसमें उसने विद्रोह या हिंसा को उकसाया हो या नहीं उकसाया हो, यदि आप उसके प्रति मतलब सरकार के प्रति कोई उत्तेजित असंतोष भी लेके आए, तो उत्तेजित असंतोष का मतलब कि कुछ रिग्रेस चीजें लेके आ जाते हो, तो उसको भी हम विद्रोही कंसीडर करेंगे। और इसको भी इसमें क्या हुआ कि इसका मतलब तो ये हुआ, अभी तक तो ये था बोलना सुनना लिखना ये सब था, अब कुछ बोलना भी कहीं ना कहीं आपके राजद्रोह का पार्ट हो गया। तो इसका मतलब तो राजद्रोह की जो पेरिफेरी है वो बड़ी हो गई, अब तो राजद्रोह में बहुत सारी चीजें आ गई। मतलब हमने अपना असंतोष रखना है तो वो भी क्या राजद्रोह होगा, तो उस समय की अदालत की व्याख्या देखें तो वो भी आपका राजद्रोह होगा, क्योंकि ये राजनीतिक घृणा को बढ़ावा देना है। तो ये जो पहला मुद्दा था ये था महारानी बनाम बाल गंगाधर तिलक का। आई होप कि यहाँ तक आपको बातें समझ में आ रही होंगी और यहाँ तक आपने पेस बना के रखा होगा। देखिए अगला जो केस है वो निहार हिंदू दत्त मजूमदार और अन्य बनाम सम्राट का केस है। इसमें क्या हुआ कि इसमें अगर पूछा गया कि निर्दल न्यायालय ने अपनी क्या व्याख्या दी, तो इसमें इस बार जो है न्यायालय ने अभियुक्तों को बरी कर दिया, जिनके खिलाफ चार्जेस लगे थे उनको न्यायालय ने बरी कर दिया। और इस समय के जो न्यायाधीश है वो सर मॉरिस ग्वेयर है। सर मॉरिस ग्वेयर ने ये बोला कि राजद्रोह का सार है सार्वजनिक अव्यवस्था, सार्वजनिक पब्लिक डिसऑर्डर ले आना। तो अगर मतलब कोई ऐसा एक्ट हो रहा है जिससे पब्लिक डिसऑर्डर हो रहा है, ठीक है, या मतलब हिंसा अव्यवस्था को उकसा रही है, कुछ ऐसा हिंसक काम जो हो रहा है वो तभी माना जाएगा, मतलब या राजद्रोह तभी कंसिडरेबल होगा जब उसमें अव्यवस्था आ रही है या हिंसा वगैरह आ रहा है, देन इट शुड बी कंसीडर्ड एज अ सेडिशन, अदरवाइज इट इज नॉट द सेडिशन चार्जेस, इट वॉज नॉट द सेडिशन चार्जेस। और ये कह के उन्होंने अभिव्यक्तों को जो है बरी कर दिया। अब देखिए एक बार जो कोर्ट है वो बोल रही है बोलना भी पाप है, और दूसरी बार जो कोर्ट है वो बोल रही है बोलना पाप नहीं है तब तक कि हिंसा ना हो जाए। तो ये जो दोनों जजमेंट्स हैं इन्होंने जो सेडिशन लॉ है इसकी पेरिफेरी को और ज़्यादा वाइड कर दिया, ज़्यादा इंक्रीज कर दिया। ठीक, अभी आगे बढ़ते हैं। अब मान लो अब तो जैसे भारत आज़ाद हो गया था, अब आज़ाद देश में हमें किस चीज़ की आज़ादी चाहिए थी? क्या हमें सिर्फ राजनीतिक आज़ादी चाहिए थी कि हम अपनी सरकार बना लें, या हमें सिर्फ आर्थिक आज़ादी चाहिए थी कि हम जो चाहें जिस माध्यम से चाहें उस माध्यम से पैसे कमा सकें, या हमें सिर्फ सामाजिक आज़ादी चाहिए थी कि भाई जहाँ पे जाति धर्म लिंग जन्म स्थान वंश के आधार पर कोई असमानता ना हो, या हमारी जो आज़ादी है वो उसके और बियॉन्ड थी? तो अगर आप देखें तो उस समय अगर गुलामी की बात करें तो हर वो चीज़ गुलाम थी, मतलब हमारा बोलना तक गुलाम था, हमारा मतलब कहीं ना कहीं आर्थिक तो गुलाम था, राजनीतिक गुलाम तो हम थे, सामाजिक गुलाम थे, हमारा धर्म तक गुलाम था, हमारी सभ्यताएं गुलाम होकर रखी थी। तो ऐसे में जो चीज़ हमें सबसे महत्वपूर्ण चाहिए थी वो थी अभिव्यक्ति की आज़ादी, मतलब हम जो चाहें वो बोल सकें, मैं जो जैसा विचार चाहूँ वैसा विचार करूँ, उसके बाद उसकी गारंटी मतलब सरकार इंश्योर करे कि मैं विचार और अभिव्यक्ति अपनी रख सकूँ। लेकिन होता क्या है कि सबसे पहले तो आपको पता है संविधान सभा में डिबेट हो रही थी, तो संविधान सभा में डिबेट के बाद मौलिक अधिकारों की चर्चा हो रही थी
की मौलिक अधिकार रखना है कि नहीं रखना है। तो करते करते जब हम लोग आर्टिकल 19 देखते, तो आर्टिकल 19 की चर्चा में ऐसा होता है कि जहाँ पे विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को इम्पॉर्टेंट माना जाता है मानव जीवन के लिए, या कह लीजिए नागरिकों के विकास के लिए, तो उसी समय ये बोला गया कि हम अपने नागरिकों को विचार और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो प्रदान करेंगे। ठीक है, तो चलो बहुत अच्छा है, आपने विचार अभिव्यक्ति का दे दिया। तो यहाँ पे कुछ लोग खड़े होते हैं और उनका ऐसा मानना था कि किसी भी स्वतंत्रता को हमें एब्सोल्यूट वे में नहीं देना चाहिए। एब्सोल्यूट कहने का मतलब है कि उस पर युक्तियुक्त निर्बंधन लगना चाहिए, हर तरीके से युक्तियुक्त निर्बंधन लगना चाहिए। अब यहाँ पे कुछ जो संवैधानिक लोग थे, जो संविधान के जानकार लोग थे, जो संविधान के निर्माता लोग थे, उनका ये भी मानना था कि जो तुम युक्तियुक्त निर्बंधन लगा रहे हो उसमें सेक्शन 124A को जोड़ दो। मतलब यदि तुमने विचार अभिव्यक्ति की और कुछ इस तरीके से की कि जिससे असंतोष हो रहा है, तो तुम्हारे खिलाफ सेक्शन 124A लगा दिया जाएगा, मतलब राजद्रोह लग जाएगा। बहरहाल जब 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए डाल रहे थे, तब राजद्रोह को तो खैर इसमें नहीं लगाया गया। ऐसा नहीं कहा गया कि भाई सरकार के खिलाफ असंतोष भड़का दिया और उस समय आपने विचार अभिव्यक्ति कर दी तो आप जो है क्या कहते हैं राजद्रोह कर रहे हैं। आप देखिए, हम सब लोग जो है ट्विटर, फेसबुक और सोशल मीडिया वगैरह यूज़ करते हैं, बहुत सारे युवा यूज़ करते हैं, तो कई बार आप इवन तो आप देखते होंगे पप्पू गप्पू फेकू कुछ भी लोग ट्विटर और फेसबुक पे लिख देते हैं, बट अगर वो सेक्शन 124A की पेरिफेरी में आ जाता तो आर्टिकल 19 का एक्सरसाइज करते हुए आप कभी भी ये सब नहीं लिख सकते थे। अदरवाइज तो आपने देखा है 3 साल से लेकर आजीवन कारावास हो जाता। तो खैर इस इन इन चीज़ों से तो हम बच गए कि इसको आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज 8 आपके मौलिक अधिकार के पेरिफेरी से बाहर रखा गया, तो 124A इससे तो नहीं जोड़ा गया। ठीक है, तो जो आपकी भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है क्या वो निरपेक्ष एब्सोल्यूट है, तो आप बोलेंगे नहीं एब्सोल्यूट तो नहीं है, लेकिन हाँ वो 124A की पेरिफेरी से तो बाहर है। इसके अलावा अगर और बात करें तो देखिए, किसी भी सरकार के प्रति असंतोष जो चुनावी प्रक्रिया के माध्यम से परिवर्तन के अधीन है को आपराधिक अपराध माना जाना चाहिए क्या? आप सोचिए कि कोई भी जो सरकार है वो हमने 5 सालों के लिए चुनी है, और इस लोकतंत्र में तंत्र वैसे भी बाद में है, लोग हमेशा से पहले, यानी सबसे पहले जनता है उसके बाद जो है आपकी सरकारें हैं। ऐसे में जो सरकार एक सीमित समय के लिए है, 5 सालों के लिए है, अगर उसको हम सब लोगों ने ट्रस्टी, तो हम सब लोग कहीं ना कहीं ट्रस्टीज हैं, न्यायाधारी हैं, तो हम सब लोगों ने अपना अपना ट्रस्ट इस सरकार को दिया है, तो कहीं ना कहीं हम बड़े हैं कि सरकार बड़ी, तो आप बोलेंगे हम बड़े हैं क्योंकि हमने ना अपना ट्रस्ट उनको दिया है, और कितने समय के लिए दिया है, 5 सालों के लिए। ऐसे में अगर सरकार मेरे द्वारा दिया हुआ काम सही से नहीं करेगी तो क्या हम उसको कुछ कह नहीं सकते? मतलब ये तो ऐसी बात हो गई कि आप अपने घर में किसी पर्सन को हायर करो तो पहले वो काम आप खुद करते रहे होंगे। सपोज करो आप अपने घर में लेट से मेड वगैरह को हायर करो कि जिसका काम आप पहले खुद करते रहे होंगे कि हम अपना जो साफ सफाई है और ये सारी क्लीनिंग डस्टिंग हम खुद करेंगे, बाद में हमने किसी को हायर किया, ठीक है, अब बदले में आप उसको सैलरी दे रहे हैं, अपना ट्रस्ट वगैरह दे रहे हैं कि ठीक है ये पर्सन कर लेगा। अब अगर वो पर्सन नहीं करेगा तो आप कुछ बोलो नहीं, बोलो कि अरे नहीं अगर ये कर देंगे तो ये तो मेड द्रोह हो जाएगा। तो इज दैट पॉसिबल कि हम नौकर द्रोह या मेड द्रोह कर रहे हैं? ठीक है, और कहीं ना कहीं आप जो है जब आप उसको ट्रस्ट दे रहे हैं तो अब आपकी ये जिम्मेवारी बनती है कि क्योंकि लोकतंत्र में लोग पहले और तंत्र बाद में, तो लोग को हमेशा तंत्र की निगरानी करते रहना चाहिए। तो जो पर्सन खुद ही एक प्रक्रिया के अधीन है, जो प्रोसेस या सिस्टम खुद ही एक प्रक्रिया के अधीन है, प्रक्रिया मतलब चुनावी प्रक्रिया के अधीन है, अब उसके खिलाफ अगर आप कुछ बोलते थे, खिलाफ भी नहीं है उसके, उसमें अगर आपको कभी असंतोष हो रहा है और आप अपनी बात रख देते हैं, तो क्या इस चीज को राजद्रोह माना जाना चाहिए? एक जो बड़ा सवाल है वो ये खड़ा होता है। दूसरी तरफ आपने एक तरफ तो संविधान ने बोला कि आपके पास विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो विचार अभिव्यक्ति में हर तरह के विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए थी। अब विचार मेरा ये भी हो सकता है कि सरकार सही काम नहीं करती, विचार तो मेरा कुछ भी हो सकता है क्योंकि ये मेरा विचार है ना। और हर आदमी के दिमाग में आप देखते होंगे लाखों विचार एक दिन में आते हैं, कभी हमें लगता है मोदी जी बहुत अच्छे हैं, कभी लगता है बोलते ही रहते हैं। अब ये तो डिपेंड करता है ना कि कब किसके विचार क्या है और उसके अभिव्यक्ति वो कैसे करता है। तो एक हाथ में मतलब आपने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देना और दूसरी तरफ राजद्रोह जैसा कानून कितना संवैधानिक है जो है, इसको लेके भी बातें होती रहती हैं। फिर आप देखिए जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय मानक हैं, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, तो जैसे संयुक्त UNHRC है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार समिति, इस तरह के निकाय ने राजद्रोह कानून के दुरुपयोग के बारे में लगातार चिंता व्यक्त की है। मतलब जो इंटरनेशनल लॉज हैं वो भी इसको बहुत सही नहीं मानते हैं, ये भी कहीं ना कहीं अपनी जो असहमति है उसके प्रति दिखाते रहते हैं। तो जब इतने बड़े बड़े अपने ऑर्गेनाइजेशन भी इसके प्रति कहीं ना कहीं पूरी तरीके से श्योर नहीं है,
तो इस तरह के कानूनों को लेकर कितना आगे बढ़ना चाहिए, इस तरह के कानून को कितना चाहे फॉलो करना चाहिए, ये भी एक इम्पॉर्टेंट जो है इशू होता है। ठीक है, इसके अलावा देखिए तो संवैधानिकता की बात हो गई। अगर भारत में देखें तो भारत में इसको लेके पर्याप्त विसंगतियां हैं। तो क्या क्या विसंगतियां हैं उस पर चलिए आप बात कर लेते कि भारत में राजद्रोह कानून को लेकर विसंगतियां क्या क्या हैं। सबसे पहले तो इसकी व्याख्या को लेके ही असंगति है। व्याख्या मतलब इसकी व्याख्या कैसे की जाए, मतलब जो है किसको आप राजद्रोह कहेंगे उसकी व्याख्या किस प्रकार हो। व्याख्यात्मक विसंगतियां हैं, पहले समझते व्याख्यात्मक विसंगतियां क्या है। देखिए जो मुद्दा था सब तो ये तो तिलक के समय से शुरू हुआ। मैंने आपको बताया कि तिलक पे जो उन्होंने केसरी में अपना लेख लिखा था उसके मामले में ही शुरू हुआ था। तो तिलक मामला था 1897 का मामला। 1897 में देखिए तिलक मामले में हिंसा या विद्रोह को उकसाए बिना भी राजद्रोह की व्याख्या सरकार के प्रति रोमांचक असंतोष के रूप में कर दी गई। मतलब अभी हमने आपको बताया अभी कि दो ऐसे केस हुए हैं जिसमें पहले और ज्यादा तो प्रॉब्लम है ना कि भाई किसको हम राजद्रोह माने किसको नहीं माने, इस चीज को लेके और ज्यादा प्रॉब्लम्स को बड़ा ही किया है। जैसे पहला तिलक का मुद्दा था, तिलक के मुद्दे में ये बोल दिया गया कि सरकार के प्रति अगर आपने असंतोष भी कह दिया तो वो जो है राजद्रोह का मामला हो जाएगा। अब लेकिन फिर से अगर जो है 1942 का केस देखें तो इस बार इन्होंने बोल दिया कि नहीं, वो राजद्रोह थोड़ी है, आरोपी तो यहाँ पे बरी हो गए थे। यहाँ पे ये बोला गया था कि तभी राजद्रोह है जब वो हिंसा या व्यवस्था अव्यवस्था को लेके आएगा। तो भाई फिर राजद्रोह है क्या, ये तो न्यायालय भी नहीं बता रही है। ठीक है, फिर देखिए अगर हम देखें तो इस राजद्रोह को लेकर एक दो नहीं बल्कि हजार दृष्टिकोण है, अलग अलग दृष्टिकोण है। खासतौर से अगर हम बात करें कोर्ट की, तो कोर्ट के उसको लेकर दृष्टिकोण की बात करें तो एक फेमस मामला हुआ है केदारनाथ का मामला 1962। 1962 आपको पता होगा हिस्टोरिक ईयर है जब भारत चीन या सिनो इंडिया वॉर भी भारत ने देखा था। तो जो केदारनाथ मामला था ये सर्वोच्च न्यायालय में जाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय का दृष्टिकोण इस विसंगतियों को कम नहीं करता और ज्यादा बढ़ा देता है। ठीक है, लेकिन इस जो केदारनाथ मामला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। केदारनाथ मामले में एक्चुअली होता क्या है कि न्यायालय ने राजद्रोह कानून की संवैधानिकता को पहले तो बरकरार रखा। न्यायालय ने राजद्रोह कानून को समाप्त नहीं किया, मतलब सेक्शन 124A को जो आपकी कोर्टों खत्म नहीं करती है, लेकिन इसके आवेदन को केवल हिंसा बढ़ाने वाले कृत्यों तक सीमित जरूर करती है। ठीक है, तो यहाँ पे कोर्ट ने यह माना कि अगर सरकार का कोई पर्सन विरोध करता है या सरकार के किसी काम से कोई पर्सन संतुष्ट नहीं और वो अपनी बात रखता है तो इसको असंतोष भड़काना नहीं कहा जाएगा। असंतोष भड़काना तभी होगा जब अपने काम से वो पर्सन या जो वो व्यक्ति विशेष है वो कहीं ना कहीं हिंसा को बढ़ावा दे रहा है, हिंसा हो रही है, तब जाके फिर आप उसके किए गए कृत्यों को राजद्रोह की पेरिफेरी में रखेंगे। आप बात समझ पा रहे होंगे कि अभी तक जैसे तिलक वाला मुद्दा ये था कि भाई आपने थोड़ा सा भी कुछ असंतोष वाली बात बोल दी तो वो अब राजद्रोह हो जा रहा है। केदारनाथ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि हर वो चीज राजद्रोह नहीं होगी, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि लोकतंत्र में जनता ने अपना अपना ट्रस्ट दिया है। अब उस कंडीशन में तो हमारे लिए जरूरी है कि हम उस पर वॉच डॉग, मतलब वी शुड हैव अ वॉच डॉग, वी शुड हैव अ सर्विलांस ऑन दैट गवर्नमेंट। अगर हम नहीं रख रहे तो कहीं ना कहीं हम लोकतंत्र के अगेंस्ट जा रहे हैं। तो उस कंडीशन में हम बोलेंगे भी तो कि भाई देखो सरकार तुमने ये गलत कर रहे हो, तुम सरकार ऐसा नहीं ऐसा करो, और उस कंडीशन में आप बोल ही नहीं पाओगे और ये सोच के कि राजद्रोह हो जाएगा तो फिर तो आपने सत्ता को निरंकुश बना दिया। इसलिए जरूरी है हमारा बोलना। इसलिए सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे ये बोल रही है कि देखो भाई ऐसा ना करो कि तुम कोई कुछ अपनी बात रखेगा और उसको तुम राजद्रोह कंसीडर कर दोगे, बल्कि राजद्रोह तब होगा, तब मानो जब उससे कोई हिंसा हो रही है। ठीक है, किसी प्रकार की अगर हिंसक गतिविधि हो रही है, हिंसक चीजों को भड़काया जा रहा है, बढ़ावा दिया जा रहा है, तो जो है आप इसको राजद्रोह की पेरिफेरी में रखें। और संविधान के मसौदे से इसके बहिष्कार की गंभीरता पर चिंताओं को स्वीकार करने के बावजूद भी खैर राजद्रोह को बरकरार रखा गया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं लोगों का इससे भी बहुत रोष रहा कि जब सुप्रीम कोर्ट खुद ही समझ रही है तो फिर उसने राजद्रोह के जैसे कानून को बरकरार ही क्यों रखा, इसको समाप्त कर देना चाहिए। ठीक, अब देखिए अगर हम इसकी भाषा को देखें, मतलब जो राजद्रोह कानून है यानी 124A के लैंग्वेज को देखेंगे ना तो भी आपको बहुत क्लियर कट इमेज नहीं देखेगी कि राजद्रोह के बारे में सेक्शन 124A एक्चुअली कह क्या रहा है। देखिए इसमें कह रहा है भारतीय दंड संहिता की धारा 124A जो क्या करती है, राजद्रोह को परिभाषित करती है। कहीं ना कहीं इसमें जो है सटीकता भी नहीं और स्पष्टता भी नहीं। कैसे कह रहा है, घृणा अवमानना और असंतोष,
ये जो शब्द हैं, ये शब्द इसे जैसे जो शब्द हैं ये सब अस्पष्ट है, ठीक है। कि अब देखो जैसे किसी भी चीज को लेके किसी की अवमानना हो भी सकती है, कोई इसको अवमानना से बाहर भी रख सकता है। जैसे आप देखिए, आपने मतलब कभी कभी आपके भाई बहन आपके सिबलिंग्स में आपस में बात करते होगे तो गुस्से में लोग कहते हैं ना पागल है, एकदम पगलू है, ये है वो है। तो इस कंडीशन में उसको आप टाल भी सकते हैं कि तो हमने भीगा उसने भीगा, बात खत्म। लेकिन या फिर आप दो चाटे अपने भाई को लगाओगे, भाई आपको लगा देगा, हो गया। तो क्या वहां पे अवमानना हुई? यानी जो वर्ड है अवमानना, जो ये वर्ड है घृणा, या जो वर्ड है असंतोष, इसकी अगर परिभाषा पे जाएंगे तो बहुत क्लियर कट परिभाषा नहीं मिलेगी। और अगर आपने कानून बनाया है तो कानून को एक्जैक्टली डिफाइन होना चाहिए कि एक्चुअली कानून कह क्या रहा है। अब इस तरह से तो भाई पता नहीं कितने निर्दोषों को आप सजा दिलवा दोगे। तो ये तो कोई कानून की बात नहीं हुई। कानून हमेशा हमेशा स्पष्ट होना चाहिए कि कानून पे मतलब कि कौन सी चीज है जो कानून की कसौटी पे खड़ी उतर रही है, कौन सी चीज कानून की कसौटी पे खड़ी नहीं उतर रही है, तो लिहाजा उसका विलोपन कर दिया जाए। तो ये जो जो शब्द हैं ये पर्याप्त रूप से परिभाषित नहीं है, ठीक है। इसीलिए जो ये शब्दों की अस्पष्टता है ये राजद्रोह के कानून को असंगत अनुप्रयोग में बढ़ावा देती है। मतलब अब तो फिर क्या होगा कि कभी भी जो सरकारें हैं वो असंगत या अनुप्रयोग मतलब कोई भी काम करेंगी और बोल देंगे कि राजद्रोह का कानून है। याद होगा आपको जेएनयू का मुद्दा हुआ था जिसमें कन्हैया कुमार और इस तरह के जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को अरेस्ट किया गया था, जहाँ पे ये बातें हो रही थी कि नारे लगाए गए नॉल। खैर उसमें हम उन मुद्दों पर तो नहीं जा रहे हैं बिकॉज फिर क्लास लंबी आपकी जाएगी। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं ये मुद्दा जरूर उठ रहा था कि क्या सरकार के खिलाफ कुछ बोल देना ही राजद्रोह है? क्या जिस सरकार को हमने चुना है उसके बारे में या उसके जो उन्होंने लाइमलाइट में चीजें की हैं वो उस तरीके से नहीं की जिस तरह के जिस तरीके से एक सरकार से अपेक्षित था? और अगर जनता अपना रोष व्यक्त करती है तो क्या हम इसको राजद्रोह कानून में रखेंगे या नहीं? खैर वो सब जो है मुद्दे रहे। ऐसे ही बहुत सारे मुद्दे इंडिया में आते रहते हैं। जैसे एक एक मुद्दा था जिसमें श्रेया सिंघल, बाद आपको पता होगा, जिसमें दो बच्चियों ने जो है स्केच बना दिया था बाला साहब ठाकरे का और फेसबुक पे उसको पोस्ट कर दिया, तो वहां पे भी कहीं ना कहीं अवमानना वाली बात जो है सामने आई थी, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि स्पष्टता नहीं है कानून में, इसीलिए समय समय पर इसके जो दुरुपयोग वाली चीजें हैं इनकी खबरें भी हम सुनते रहते हैं। फिर देखिए, एक तरफ आपका जो संवैधानिक आधार है वो हमें विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, और दूसरी तरफ आप जो है आपका जो ये राजद्रोह है ये मेरी दी हुई स्वतंत्रता को ही हैम्पर करता है। अब याद करिए मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार तो ये वे अधिकार है जिसको मैं हक से मांग सकूं और जिसको पालन नहीं होने पर मैं सुप्रीम कोर्ट की शरण ले सकूं। तो ये तो संवैधानिक सिद्धांतों को लेकर ही टकराव है, जो संविधान का आधारभूत ढांचा है उसी को लेकर टकराव है, ठीक है। तो ये कुछ विसंगतियां हैं आपके राजद्रोह कानून को लेकर। खैर अगर उसके सिफारिशों की बात करें तो जरूरी है कि जितनी भी विसंगतियां हैं, अस्पष्टता है और दुरुपयोग की चीजें हैं और उन पर जल्दी से जल्दी क्या करें, विचार करें और राजद्रोह कानून को या तो निरस्त करिए या फिर इसमें पर्याप्त सुधार करिए, या तो खत्म ही कर दो, नहीं तो फिर इसमें प्रॉपरली आपको क्या कहते हैं सुधार करना चाहिए। इसकी परिभाषा को सटीक करो। आप किसको राजद्रोह की परिफेरी में रखेंगे? आपको इसकी परिभाषा को सबसे पहले सटीकता देनी चाहिए, स्पष्टता देनी चाहिए, क्योंकि अस्पष्ट और व्यक्तिपरक व्याख्या, व्यक्तिपरक मैंने बताया आपको जैसे कि हर व्यक्ति के लिए हर शब्द के अलग अलग मायने हैं, तो व्यक्तिपरक जो व्याख्या उससे बचना जो है जरूरी है। दूसरा देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा और व्यक्ति की स्वतंत्रता दो चीजें हैं, एक तरफ तो राष्ट्र की सुरक्षा और दूसरी तरफ व्यक्ति का अधिकार है। अगर व्यक्ति का अधिकार आप कमजोर कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या, लोकतंत्र को आप संरक्षित कर रहे हैं? लोकतंत्र में तो व्यक्ति ही ऊपर है। तो अगर व्यक्ति के अभिव्यक्ति के आधार पर, व्यक्ति की जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसकी कीमत पर आप राष्ट्रीय सुरक्षा ले आ रहे हैं, तो राष्ट्र बड़ा या जो है व्यक्ति बड़ा, व्यक्ति बड़ा या देश बड़ा, या किस किस मानकों पे आप, मतलब किन कसौटियों पे आप उसको खरा रखना चाहते हैं, इस पे जो है ध्यान देने की आवश्यकता है। जिस तरफ हमने देखा कि कहीं ना कहीं इन चीजों को लेकर न्यायालय का भी रुख उतना साफ नहीं है, तो न्यायिक अस्पष्टता है, बहुत ज्यादा न्यायिक स्पष्टता नहीं है, तो जरूरी है कि इसको पर्याप्त जो है दिशा निर्देश दे के न्यायिक स्पष्टता को सुनिश्चित किया जाए। इसके अलावा कुछ प्रक्रियात्मक सुधार करने की जरूरत है, जैसे उच्च मानकों के, मतलब आप तभी अर्ज करिए जब आपके पास उच्च मानक के साक्ष्य हो, उसमें भी पारदर्शिता रखिए ताकि लोगों को पता चल सके कि सरकार ने कहीं से कहीं तक जो कानून है उनका दुरुपयोग वगैरह नहीं किया है। इसके अलावा जागरूकता को बढ़ाना जरूरी है। आपको कहीं ना कहीं ये पता होना चाहिए कि मेरे अधिकार की सीमा वहीं पर समाप्त हो जाती है जहां से किसी और व्यक्ति के अधिकार शुरू होते हैं, राइट। तो मेरे अभिव्यक्ति की आज़ादी भी वहीं पर समाप्त हो जानी चाहिए जहां से किसी और के अभिव्यक्ति की आज़ादी शुरू होती है। दैट मीन्स
कि भाई आप कहीं पे भी आप लोगों को ये जरूर जागरूक करें कि आपके अधिकार वहीं तक हैं जहां तक, जहां से किसी और के अधिकार शुरू हो रहे हैं। जहां से किसी और के अधिकार शुरू होंगे और आपके अधिकार उन अधिकारों को हैम्पर करेंगे, तो वहीं आपके अधिकारों को समाप्त कर देना चाहिए। इसीलिए जरूरत इस बात की है कि लोगों को उनके अधिकारों के प्रति भी जागरूक किया जाए, उनके अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति उनको थोड़ा सा संवेदनशील बनाया जाए। इसीलिए देखते होंगे कि प्रस्तावना में शब्द लिखा है लिबर्टी, कि हम अपने यहाँ के लोगों को लिबर्टी देंगे, लिबर्टी। और आर्टिकल 19 में बात कर देते हैं फ्रीडम की, है ना। आप देखते होंगे जो प्रस्तावना वहां पे लिखा है लिबर्टी, और जो मेन पार्ट है वहां पे आर्टिकल 19 बोलता है फ्रीडम, और जबकि हिंदी में दोनों का ही मतलब स्वतंत्रता है। तो देखिए प्रस्तावना लक्ष्य है, जहां पे लिबर्टी की बात की गई, लिबर्टी मतलब जहां हम लोगों को रोकेंगे नहीं, स्वतंत्र छोड़ देंगे, बल्कि लोगों को खुद ही पता होगा कि कहाँ पे मुझे किस हिसाब से कितना रुकना है। और फ्रीडम वो है जहाँ पे युक्तियुक्त निर्बंधन लगेंगे, राइट। तो इसलिए जरूरी है कि हम जो है लिबर्टी को प्रमोट करें, लिबर्टी लेके आए, मतलब धीरे धीरे लिबर्टी की ओर बढ़े, ताकि जो फ्रीडम हो वो इंश्योर हो सके, या कहीं ना कहीं जो युक्त युक्त निर्बंधन है वो ना लगाना पड़े, आपकी जो लिबर्टी है उसी वे में आगे बढ़े, ठीक है। फिर हमें जरूरत है कि जो हम इंटरनेशनल संवाद है, जो इंटरनेशनल फोरम्स है, उनसे भी सीखें और वहां पे देखें कि किस तरीके से अभिव्यक्ति की आज़ादी को इंश्योर किया जा रहा है, या जो और लोकतांत्रिक देश हैं उनसे भी हमें इस वे में, इस प्रशिक्षण में सीखना चाहिए। फिर अभी एक जो मुद्दा चल रहा है हमारे सदन में, अभी शायद कल या परसों की न्यूज़ है, उससे जरा इसको लिंक कर देते हैं पूरे मुद्दे को, और फिर हम समापन की ओर चलेंगे। अभी क्या हुआ है कि हमारे जो गृह मंत्री हैं उन्होंने अपने 3 नए विधेयक पेश किए हैं, और ये 3 विधेयक देखिए कौन कौन से हैं। एक्चुअली जो हमारे अमित शाह हैं, जो हमारे गृह मंत्री हैं, ऑनरेबल होम मिनिस्टर, ये 3 बिल लेकर के आए हैं जो 19वीं सदी के बिल हैं, उनको मतलब जो 19वीं सदी के कानून जिसकी अभी तक हम और आप प्रैक्टिस करते आए हैं, इन 3 विधेयकों को ऐसा माना जा रहा है कि ये 3 विधेयक उन जो पुराने विधेयक हैं उनका स्थान लेंगे, उन पुराने विधेयकों के को जो है कहीं ना कहीं रिप्लेस करने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो 3 विधेयक हैं, इसमें देखिए पहला है आपका भारतीय संहिता सुरक्षा विधेयक 2023, ये जो है आपकी क्या कहते हैं जो भारतीय आईपीसी है, एक मिनट लेट मी चेक टेक द पेन। तो हमारे पास एक्चुअली 3 एक्ट थे पहले से, एक तो भारतीय दंड संहिता, आपने नाम सुना होगा आईपीसी का, तो एक है आपका आईपीसी, एक हो गया आपका सीआरपीसी, और एक इंडियन एविडेंस एक्ट है। आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट, 3 जो है हमारे पास एक्चुअली में कानून थे। तो इन तीनों ही कानून को अब रिप्लेस करके भारतीय संहिता सुरक्षा विधेयक 2023 का मसौदा तैयार किया जा रहा है, और अभी तो इसको स्टैंडिंग कमेटी को भेजा गया है। तो हो सकता है बहुत जल्दी हमारे पास जो 3 नए कानून हैं वो आ जाएं, और उनके आधार पर चीज़ें चलेंगी। देखिए इसमें कहा गया कि जो एक्चुअली आपको याद हो तो 1860 में एक्चुअली जब इंडियन कैनिंग था, भारत में कैनिंग था, तब भारत में इंडियन पिनल कोड जैसी चीज़ें लाई गई थी, दंड संहिता लाई गई थी। तो भारतीय दंड संहिता एक्चुअली 1860 में इसको तैयार किया गया था। ये लगभग 160 साल हो चुके हैं, 160 वर्षों से अधिक समय से देश की आपराधिक न्याय प्रणाली की आधारशिला यही आईपीसी का कानून बना हुआ है। और इसमें भी जो बेसिकली जिस चीज़ का विरोध होता है आईपीसी में, जैसे अभी हमने आपकी सेक्शन 124A की चर्चा की, जिसको कभी कभी लोग काला कानून वगैरह भी कहते हैं, जो अभिव्यक्ति की आज़ादी को रोकता है, तो जो ये वाला आईपीसी का कानून है ना, इसको सबसे विवादास्पद माना जाता है। जब आईपीसी स्क्रैप आउट हो जाएगा या आईपीसी के चेंज करेंगे, तो बट ऑब्वियसली बात है कि 124A पर ही बात होगी, राइट। तो 124A का फिर मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या स्टैंड रहता है वो देखने का रहेगा, लेकिन अभी तो खैर ये बिल स्टैंडिंग कमेटी के पास है, लेट द स्टैंडिंग कमेटी डिसाइड इसके बाद क्या चीज़ें आती हैं, क्या 124A को रखेंगे या इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड वे में रखेंगे, या 124A को फिर स्क्रैप आउट करेंगे, ये अभी आपका आने वाला समय बताएगा। हालांकि देखिएगा 3 आपके जो मतलब जो बिल आ रहा है वो 3 जो पुराने कानून हैं उनको रिप्लेस करने वाला है, मैंने आपको बताया भी, तो एक बार इसमें भी देख लीजिए। एक तो है आपका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, जो सीआरपीसी को रिप्लेस कर रहा है सीआरपी, और दूसरा है आपका इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023, ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो आपका इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का था उसको रिप्लेस करेगा। फिर एक भारतीय न्याय संहिता लेके आए, तो इंडियन पिनल कोड जो था आईपीसी, इसको रिप्लेस करेगा। तो एकदम तैयार रहिए 2024 के प्री के लिए और मेंस के लिए, जो अच्छे अच्छे करंट अफेयर को डील करने के लिए,
तो खैर एक बड़ा सुधार हो सकता है ये। और ये रहेगा कि अभी जो है एक्चुअली कहा जाता है कानून को उस तरीके से ही चलना चाहिए जैसे आपका समाज बदल रहा है, मतलब समाज कानून की तरह नहीं बदलेगा बल्कि कानून को समाज के आधार पर उसके स्टैंडर्ड्स पे चेंज हो जाना चाहिए, राइट। तो 1860 का कानून 2023 में क्या कर रहा है ये भी एक कहीं ना कहीं डाइसी वाली चीजें हैं। तो अब जो कानून है उसको 2023 या आने वाले समय के हिसाब से ढालना बहुत जरूरी है। तो ऐसे में जो है वेलकम स्टेप है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। अब देखने वाली बात ये होगी कि सेक्शन 124A को लेकर गवर्नमेंट का स्टैंड क्या होता है। तो ये एक एक चीज है, हालांकि अल्टीमेटली तो हमारा जो मेन कंसर्न है वो यही कि कुल मिला के कानून क्या भी हो या विधियां क्या भी हो, कुल मिला के भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता ये इंश्योर रहनी चाहिए, इसमें कभी भी कोई आँच नहीं आनी चाहिए। तो खैर यहाँ तक की जो हमारी डिस्कशन थी वो थी आपकी राजद्रोह कानून के बारे में। आई होप कि जो आपको ये पूरा मुद्दा है वो बेसिक से लेके आज के करंट अफेयर तक पूरा क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा भी अगर आपके कोई कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है, कुछ भी आपको पूछना हो या कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में उसके बारे में ज़रूर बताएं। आप रूबरू में और किन एपिसोड्स के बारे में चर्चा देखना चाहते हैं, जो भी आपके प्रिपरेशन में आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही हो आप मेरे को उसके बारे में भी बताएं, तो हम लोग उसी उन सारे मुद्दों पर साप्ताहिक चर्चा का जो प्रोग्राम है उसको कंटिन्यू करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ज्वाइनिंग के लिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग एंड हैव अ वेरी नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।